हेलो दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। दोस्तों आप सभी सोना और मुकुल को अच्छी तरह से जानते होंगे। दोनों के जोड़ी को दोस्तों लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद से दोस्तों आप भी पसंद करते होंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आइए दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी दोनों के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे एक लिए दोस्तों ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चले दोस्तों छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मुकुल गेन की। तो मुकुल दोस्तों पेशे से डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दो मुकुल डांस इंडिया डांस 7 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं और इंडियाज बेस्ट डांसर में भी दोस्तों मुकुल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और D10 और D4 डांस जूनियर वर्सेस सीनियर में भी दोस्तों ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और वही जन्म की बात करें तो मुकुल का जन्म दोस्तों 16 जुलाई 2000 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और मुकुल दोस्तों 2024 के हिसाब से 24 साल के हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोना दे की। तो सोना भी दोस्तों डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ दोस्तों, सोना सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और सोना का जन्म दोस्तों 15 फरवरी 1999 को कोलकाता में हुआ था। तो 2024 के हिसाब से दोस्तों सोना 25 साल की हो चुकी है। और वही बात करें दोस्तों मुकुल और सोना के डिफरेंस की, तो मैं आपसे एक दोस्तों बता दो, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 साल का है। जी हाँ दोस्तों, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सोना मुकुल से 1 साल बड़ी है। लेकिन वैसे दोस्तों आप सभी को दोनों की जोड़ी कैसी लगती है आप कमेंट में जरूर से बताओ। और उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।